नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं संत रैदास के भक्ति कथा के बारे में। संत रैदास यानी जिन्हें लोग संत रविदास भी कहते हैं, प्रभु की भक्ति में जाति पाति का कोई स्थान नहीं। उनकी नज़रों में ब्राह्मण तथा चंडाल सब एक समान है। वह भाव देखते हैं, दिखावा या चढ़ावा नहीं। चमार जाति में पैदा हुए रैदास इतने पहुँचे हुए संत थे कि मीरा, कबीर, धन्ना, पीपा को भी उनसे मार्गदर्शन मिला। इनका जन्म समय ईस्वी सन की 15वीं सदी माना गया है। इनका जन्म काशी में हुआ था। ये कबीर के सत्संगों में उपस्थित होते थे। कहा जाता है कि रैदास पूर्व जन्म में एक अच्छे ब्राह्मण थे, मगर स्वामी रामानंद इनसे क्षुब्ध हो गए और शाप दे दिया, तभी तो इन्हें चमार के घर में जन्म लेना पड़ा। रैदास के पिता रघु कुछ क्रोधी स्वभाव के थे। उन्हें उनका कबीर तथा संतों महात्माओं के साथ बैठना एवं उन्हें भेंट में कुछ भी देना खूब अखरता। विवाह तो कर दिया, मगर बिना कुछ दिए पति पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। रैदास की पत्नी साध्वी थी, पति की सेवा में कोई कमी न रखती। जितना होता उसे उनके सामने रख देती। एक मामूली झोपड़ी में रहकर भी वह संतुष्ट थी। रैदास जूते टाका करते थे, थोड़ा बहुत कमा लेते। पास ही ठाकुर जी की चतुर्भुजी मूर्ति रखी रहती थी। उनकी भक्ति भी करते और जूते भी सीते। अपने प्रिय भक्त रैदास से भगवान प्रसन्न तो थे ही, उनकी आर्थिक दशा को भी सुधारने का उन्होंने मन बनाया। साधु का रूप धारण कर रैदास की छोटी सी दुकान पर आ पहुँचे। उन्हें पारस पत्थर दिखाया, इससे जूते सीने के एक औजार को लोहे से सोने में बदलकर भी बताया। छूते ही तो लोहा सोना हो गया था। धनवान बनने का कितना सरल उपाय। जब रैदास को यह पत्थर रख लेने के लिए साधु ने कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। साधु ने भी जिद की। रैदास ने स्वीकृति में कहा, मेरे भाई साधु जी, यदि आप नहीं मानते तो इसे मेरे छप्पर की छत में कहीं खोंस दे। एक एक करके 13 महीने बीत गए। साधु पुनः आ पहुंचा, पत्थर के बारे में पूछा, कितना काम आया? रैदास ने कहा, आप देख लें, जहां रख गए थे वहीं पड़ा होगा, मैंने तो इसे कभी छुआ ही नहीं। ऐसे थे रैदास, उन्हें अपनी पतली माली हालत का भी कुछ दुख नहीं था। काशी में एक ब्राह्मण थे जिनको किसी क्षत्रिय ने एक काम सौंप रखा था। वह उनकी ओर से प्रतिदिन गंगा जी को फूल, पान तथा सुपारी नियमित चढ़ाते थे। बदले में इनका मूल्य तथा कुछ पारिश्रमिक पाते थे। वह ब्राह्मण एक बार रैदास से जूता लेने आए। बात चल पड़ी गंगा पूजा की भी। रैदास ने कहा, आप मेरे से जूता लें, इसका मूल्य मत दें, मगर मेरी ओर से गंगा मैया को एक सुपारी जरूर चढ़ा देना। इस सुपारी को ब्राह्मण ने संभाला। अगले दिन ब्राह्मण जब नहाने के बाद रैदास की सुपारी चढ़ाने लगे तो माँ गंगा ने अपने हाथ बाहर निकालकर उस सुपारी को ले लिया। ब्राह्मण के लिए यह चमत्कार था। रैदास अपने भगवान को माधव कहकर पुकारते थे। वह निर्गुण संत थे और 120 वर्ष की आयु पाकर ब्रह्मलोक पहुँचे। कबीर जी भी 119 वर्ष तक जीवित रहे, फिर ब्रह्म पद में लीन हुए थे। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।